हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? आज का वर्कआउट बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जी, बढ़ते हुए पेट को कैसे कम करना है जी। तो ये जो हमारा लोअर बैली है, इसका फैट जो बढ़ जाता है, इसको कैसे कम करना है। काफी लोग परेशान होते हैं जी, लोअर बैली कम नहीं होता, तो इसका भी हल है कम करने का। लेकिन क्या हल है? वो है वर्कआउट। वर्कआउट करेंगे तो ये कम होगा। चार इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जी मैं आज, और आपने वो करनी है। घर पे करें, जिम में करें, जहां मर्जी करें, पर करनी जरूर है। एक ही बार बोलता हूं मैं, करनी जरूर है तो ही कम होगा। अक्सर लोग जी खाना खा के बैठ जाते हैं, वॉक नहीं करते। वो कहते जी पंजाबी च आलस करता है जी बंदा, तो ओदा फिर नुकसान भी सामने आ जाता है जी। की नुकसान होता है? तो बहरहाल जी, एक्सरसाइज शुरू करने तो पहले जी, अगर तुम साडे चैनल पे नए हो तो साढ़े चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो शेयर भी करो। बैल के आइकन पे क्लिक लाजमी करना, ताकि हर नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थानू लाजमी मिले। तो थोड़े वास्ते इस तरह वधिया वधिया एक्सरसाइज लैके आवेंगे जी, इफेक्टिव एक्सरसाइजा लैके आवेंगे, ताकि जिन्होंने तुम घर में भी कर सको। तो पहली एक्सरसाइज शुरू कर दें जी। आपने जी ऐसे खड़े हो जाना जी, अपने टांगों को शोल्डर से 3 इंच वाइड खोल लेनी है। टांगे आपने शोल्डर की जो विड्थ होगी उससे 3 इंच आपने टांगे बैर की तरफ कर लेनी है, ठीक है जी? अपने हाथों को गर्दन के पीछे रख लेना है जी। ये पहली एक्सरसाइज लगा के दिखाने लगा हूँ आपको, ठीक है जी? उससे पहले आप एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने अपने बॉडी को वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप करेंगे, आपके बॉडी के पार्ट्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, मसल अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है जी? अब आपने जो है ना, अपनी डायरेक्शन जो मूवमेंट है वो इस तरह करनी है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इसी तरह जी आपने अपने सेट को कंप्लीट करना है और आपने इसके लगाने हैं जी 70 रैप्स। अगर आप नए हैं तो आप इसको 30 भी लगा सकते हैं, 30 इससे स्टार्ट करें, फिर 40 50 60 70, ठीक है जी। इसी तरह आपने उसको बढ़ाते जाना है और इसकी इसी तरह आपने उसके 3 सेट कंप्लीट करने हैं जी, ठीक है जी। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी, इसको बोलते हैं जी नी रेजिस, लेग रेजिस स्टैंडिंग, ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जी। दूसरी एक्सरसाइज जो है जी बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है जी, वो आपका पूरा जो कोर है ना जी, कोर को हिला के रख देती है जी, पेट को पटकच्चे उड़ा देती है। अभी मैं आपको बताता हूँ लगा के। ये देखें जी, आपने अपनी पोजीशन ऐसे कर लेनी है जी, ठीक है जी। ये देख रहे हैं जी पोजीशन आपने ऐसे कर लेनी, अच्छी तरह देख लें। आपने करना क्या है जी, आपने अपने टांग को जो है ना जी लिफ्ट करना है जी, जिसे हम लेट के लेग रेजिस लगाते हैं ना जी। अब हम फुल प्लैंक साइड लेग रेजिस लगाएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जी दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, बड़ी कमाल की एक्सरसाइज थी ये। आपके जो है ना पूरा कोर जो है ना उसको हिला कर रख देती है, बैली में ना बैली, ये वाली बैली को भी हिला कर रखेगी आपके, ठीक है जी। इसके आपने लगाने हैं जी 50 रैप्स, 50 रैप्स 3 सेट, ओके 3 सेट 50 रैप्स। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है ना जी वो है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जी। आपने भी ऐसे लेट देना है, हाथों को हिप्स के नीचे रख लेना जी,
पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए जी, ठीक है जी। आपने टांग को स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो देख रहे हैं पोजीशन, पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए, तो ही आपकी लोअर बेली पे जो है ना जी असर पड़ेगा। 1 2 3 इसी तरह आपने जी इसके 60 रैप लगाने हैं, 60 30 इस साइड के, 30 इस साइड के, ठीक है जी, 30 30 60। अगर आप नए हैं, आपने वर्कआउट नहीं किया कभी, तो आप जो है कोशिश करें 10 से स्टार्ट करें, 10 10, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है जी। जो जिनका ज्यादा पेट बाहर निकला हुआ है, जो इसको नहीं कर सकते, वो 5 से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो कुछ होगा ना जी, ऐसे कुछ नहीं होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जी आपको आखिरी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ जी, चौथी एक्सरसाइज। ये बड़ी जालिम एक्सरसाइज है जी, ये देखें, पोजीशन आपने अपनी कर लेनी है जी ऐसे, एल्बो के सहारे आपने अपने बॉडी को लिफ्ट करना है जी, लिफ्ट सॉरी लिफ्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल होल्ड करना है, ठीक है जी। एल्बो और आपकी जो पांव की उंगलियां हैं, डायरेक्शन आपकी फेस के सामने होनी चाहिए। अब आपने ये पोजीशन करनी है अपनी, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं जी प्लैंक एक्सरसाइज, बेसिक प्लैंक। जो अक्सर लोग इस एक्सरसाइज से भागते हैं, और कुछ कुछ लोग कर लेते हैं जी थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड 40 सेकंड, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज करनी है पूरे 3 मिनट, तो ही आपको इसका फायदा होना है। ये देख रहे हैं पोजीशन अच्छी तरह चेक कर लें, आपने बिल्कुल ऐसे ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये देख लें पूरे 3 मिनट आपने इसको एक्सरसाइज को लगाना है। चौथी एक्सरसाइज भी आपको बता चुका हूं मैं दोस्तों, इन एक्सरसाइज को जो है ना अपनी रूटीन में शामिल करें, और कोशिश करें डेली बेसिस पे करने की, डेली बेसिस पे करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला 1 महीने में रिजल्ट इसका मिलेगा, और जरूर मिलेगा अगर आप रेगुलर इन एक्सरसाइज को करते जाएंगे तो। तो गाइस फिर से एक बात कहता हूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पे क्लिक लाजमी करना है जी, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।